बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप इजी पैसा इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इजी पैसा वालों ने एक अपडेट निकाली है जो आप में से अक्सर दोस्तों को नहीं पता होगा। अगर आप इसका नहीं पता तो आपको यहाँ पे परेशानी या कुछ इस तरीके का लॉस या नुकसान भी हो सकता है। इस अपडेट के बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए अगर आप इजी पैसा इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि आपको जब कोई भी आपको पैसे भेजता है, ठीक है, तो आपको एक मैसेज आता है जिसको हम बोलते हैं 3737 से आपको मैसेज आता है जिसके अंदर रकम लिखी होती है और TXID जो होती है, TID जो होती है वो भी लिखी होती है, ठीक है। तो जिससे आप मैसेज देकर आप ये हिसाब लगा सकते हैं कि भाई हमारे अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, ठीक हो गया। तो ये सीन है। तो अब दोस्तों ये जो 3737 वाला मैसेज सिस्टम है ना, ये अब इजी पैसा वालों ने बंद कर दिया। आप में से अक्सर दोस्तों को 3737 से मैसेज नहीं आता होगा जब भी कोई आपको पैसे ट्रांसफ़र करता है। अब दोस्तों ये कौन सी अपडेट है और किन लोगों को 3737 का मैसेज नहीं आएगा और किन लोगों को आएगा, वो मेरी वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको आज की इस वीडियो में यही चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूं। दोस्तों पहले मैं आपको यहां पे एक नोटिफिकेशन दिखा दूं जो हाल ही में इजी पैसा के जनाब से बताया गया है। इजी पैसा ने कहा है कि 18 जून से जो है हमने जो है आपके अकाउंट जो भी आपको पैसे भेजेगा, जो भी बिल पे करेगा, तो वो आपको इजी पैसा के अंदर नोटिफिकेशन आएगा। आपको 3737 से मैसेज नहीं है। आपने अक्सर का देखा होगा अगर आपको कोई पैसे भेजता है तो आपको एक ऊपर नोटिफिकेशन शो होता है कि भाई फलां बंदे ने आपको पैसे भेजेंगे, लेकिन आपको 3737 से मैसेज जो है वो नहीं आता है, ठीक है, आपने कभी गौर किया हो तो। तो अब इजी पैसा यही बता रहा है कि जिनका इजी पैसा का अकाउंट है उनको 3737 से मैसेज नहीं आएगा। उनको इजी पैसा के अंदर जाकर अपनी रकम चेक करनी पड़ेगी या नोटिफिकेशन में जाकर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये 3737 का मैसेज जो है वो इजी पैसा की ऐप्स वालों को नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अब इजी पैसा का जो अकाउंट है वो दो तरीकों से कंट्रोल होता है। एक होता है 786 के ज़रिए और एक होता है इजी पैसा ऐप्स के थ्रू। अगर दूसरे बंदे ने आपको 786 हैश डायल करके पैसे भेजे हैं, ठीक है, 786 हैश डायल करके उन्होंने आपको पैसे भेजे हैं, तो फिर आपको 3737 से मैसेज आएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, फिर आपको 3737 से मैसेज आएगा। अगर किसी बंदे ने आपको पैसे भेजे हैं ऐप्स के थ्रू, इजी पैसा की ऐप्स को इस्तेमाल करके भेजे हैं, तो उसका आपको जो 3737 का नोट मैसेज होता है वो नहीं आएगा, वो आपको आएगा इजी पैसा के अंदर जाकर आपने खुद चेक करने होंगे, ठीक है। इस चीज़ को आपने लाजमी अपने जहन में रखना है। अक्सर दोस्त क्या होते हैं, वो पैसे भेज देते हैं, वो इंतज़ार में होते हैं कि 3737 से मैसेज नहीं आए, लेकिन 2337 से आपको मैसेज नहीं आता, लेकिन फिर भी रकम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है क्योंकि सामने वाले बंदे ने जब आपको पैसे भेजे हैं तो उसने इजी पैसा की ऐप्स को इस्तेमाल किया है। अगर वो *786 हैश डायल करेगा तो तभी आपको 3737 से मैसेज रिसीव होगा। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी कि मैं आपको आपके साथ क्या चीज़ आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर फिर भी नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि आपको आने वाली और मज़ीद इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक्स।